वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी। कल हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस किए थे, उसके टाइप तीन या चार टाइप किए थे हमने। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। हमने जो कल टाइप कराई थी ना मैंने, उसमें हम आज से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले तो एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे एंड बाद में हम उससे रिलेटेड तीन या चार टाइप बच गए थे वो हम आगे करेंगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। देखिए, एक किसी कार्य को 15 दिन में करता है एंड बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए एलसीएम कितना रहा है, 64 एंड 23 60। अब देखिए हमें किसका निकालना है, ए और बी दोनों का निकालना है, तो कितना आएगा 60 और ए और बी की डिस्टेंस कितनी है 4 एंड 3, तो हमारा टोटल टाइम कितना आ जाएगा 60 अपॉन 7। तो हमारा सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 अपॉन 7, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में काम कर लेंगे, 60 अपॉन 7 में है ना टोटल टाइम में काम कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन की। देखिए दूसरे टाइप पे आते हैं। जब हमारे टाइप टू थी ना उस पे आते हैं। देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, और ए अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, या आप ले लीजिए 30 ले लीजिए, 30 दिन में करता है, तो ए या बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए एलसीएम कितना रहा है 60, ठीक है, कितना आएगा 30 एंड कितना जाएगा 2। अब देखिए हमें किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है अकेला काम। अब देखिए टोटल कितना है 60 और क्या करते हैं, बी में से ही करते हैं, बी की एफिशिएंसी क्या, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, 3 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 60 अपॉन 1। तो ए है ना बी है, वो अकेला कितने दिन में काम कर लेगा उस काम को, बी अकेला 60 डेज में काम कर देगा, तो राइट आंसर हमारा कितना होगा 60 होगा, ठीक है। देखिए हम टाइप थर्ड और करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए एलसीएम निकालते हैं 60 10 6 जा एंड 23 जा 60 एंड 3 2 जा 60। अब देखिए कितना है, तीनों का मिलकर निकाला हमें, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, बी की कितनी एफिशिएंसी 3 एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है 2। देखिए तीनों का मिलकर निकालना है, टोटल 60 अपॉन ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 3 है एंड सी की कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 60 अपॉन 11, तो हमारा कितना आ रहा है 60 अपॉन 11 है, वो तीनों का आ रहा है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे 60 अपॉन 11 में तीनों मिलकर कितने काम कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे कुछ करते हैं। अब इसी टाइप पे हम आज एक नई टाइप करेंगे, टाइप फोर के लिए थे ना हम कल, आज हम टाइप फाइव करते हैं। देखिए एक एक चीज और बता दूँ, ए का काम अपॉन बी का काम बराबर होता है बी के द्वारा लिया गया समय अपॉन ए का समय, ठीक है, ये याद रखिए। ए का काम है ना अपॉन बी का काम है, वो बराबर होता है जो बी के द्वारा लिए गए समय अपॉन क्या है, ए का समय, ठीक है, राइट कीजिए आप, ठीक है। देखिए हम टाइप सिक्स पे आते हैं। हमने टाइप थ्री में पढ़ा था कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी किसी काम को वाई दिन में करता है, सी किसी काम को जेड दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है।
देखिए हमसे पूछ लेगा कि एक किसी काम को तीन दिन पहले तक करता है या तीन दिन बाद काम को छोड़ देता है, तथा बी उसी काम को टी टू दिन बाद छोड़ देता है, या सी है उस काम को शुरू से ही छोड़ देता है। ठीक है, ऐसे टाइप को हम टाइप फाइव या टाइप सिक्स में डिस्क्राइब करते हैं। देखिए यदि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को करता है वाई दिन में, एंड जेड सी सी करता है उसी काम को जेड दिन में, ठीक है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब हमसे इसका पहला पार्ट पूछा गया है। देखिए हमसे पूछा गया है कि ए है ना, यदि ए काम शुरू होने के एन दिन बाद काम करना छोड़ दे तो पूरा काम कितने समय में होगा, कितने समय में होगा? ठीक है, हमसे पूछा गया कि ए बी सी है ना, वो ए एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में करता है और सी जेड दिन में करता है, तो तीनों ना वो मिलकर किसी कार्य को शुरू तो करते हैं, लेकिन ए है ना जब अंतिम चले जाते हैं उसके बाद ए है ना उस कार्य को करना छोड़ देता है। तो हमसे पूछा गया कि तो जो काम बच गया ना वो कितने दिन में पूरा हो गया, ऐसे टाइप का हल है वो हम कैसे करेंगे, आप नोट करिए साथ में। ठीक है, देखिए हम आगे करते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमें किसका निकालना है, निकालना तो तीनों का ही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि ए है ना वो अंतिम काम करने के बाद छोड़ देता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या आएगा, तीनों मिलकर काम करेंगे वो ही तो निकालना है, एक्स वाई जेड तो आएगा ही अपना, कौन कितना जगह है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इनटू में वन प्लस एन बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यों, क्योंकि एक्स दिन तो क्या उसमें से, एक्स में से एन दिन ही तो काम किया उसने, एक्स अपॉन एन बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमसे पूछ ले, इसी का सेकेंड टाइप है ना वो पूछ ले। देखिए सेकेंड टाइप कराता हूँ आपको, डिस्कस तो कर ली थी आपने वो पहली वाली बात। देखो एक करता है एन दिन बाद काम छोड़ देता है, और मान लेते हैं कि बी है ना उसी काम को के एम दिन बाद छोड़ देता है, एम दिन काम करके छोड़ देता है, और ए छोड़ रहा है एन दिन बाद काम करके। हमसे पूछा गया कि जो बाकी का काम है ना वो कितने दिन में पूरा होगा। देखिए टोटल काम कितना था, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो टोटल काम का कितना जगह, एन बाई एक्स प्लस एन बाई वाई, और ये आ जाएगा हमारा टोटल टाइम, जो टोटल काम है ना वो कितने दिन में होगा, जब ए एन दिन बाद काम करना छोड़ देता है, बी एन दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो जो काम होगा ना वो कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू में वन प्लस एन बाई एक्स प्लस एम वाई वाई। ठीक है, इतना समझ में आया आप सबको? ठीक है, आगे करते हैं। हम आगे टाइप करते हैं टाइप सेवन। देखिए टाइप सेवन में हमारा आ गया, यदि ए किसी काम को करने में बी तथा सी से अनगुणा समय लेता है तो ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, में पूरा करेगा। ठीक है,
देखिए ए किसी काम को करने में बी तथा सी से क्या ले रहा है, दुगना समय एन गुना समय ले रहा है, या दुगना कह दे या तिगना कह दे या चौगुना कह दे, जितना एन गुना बता रहा है तो ए उसे कितने समय में कर लेगा। देखिए ए का निकालना है हमें, हम क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे एन प्लस वन इन टू में, जो तीनों ने लिया समय ना, तीनों ने लिया समय वाला, ठीक है एक अकेले का निकालना है ना, तो एन प्लस वन इंटू में तीनों ने जो समय लिया है ना वो आ जाएगा, ठीक है नोट कीजिए आप, ठीक है चलो हम ट्राई करते हैं। ठीक है अब देखिए मैं आपको एक पेपर कराता हूँ, एक ही बार ये दे देता है कि थ्री आदमी तीन आदमी और चार बॉयज किसी भी काम को पाँच दिन में करते हैं, या चार आदमी और तीन बॉयज उस काम को छः दिन में करते हैं, तो हमसे पूछ लेगा कि सात आदमी या छः बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे, या हमसे दे रखा हुई आगे दे रखा हो कि एक आदमी इतने दिन में करता है, एक आदमी है ना किसी काम को छः दिन में करता है, दो आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है या हमने दे रखा हो कि एक आदमी की एफिशिएंसी है वो टू बॉयज के बराबर हो, मतलब एक आदमी है ना दो बॉयज के जितना काम कर रहा हो, ऐसे टाइप को हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। ये हैं आपके हमारे एसएससी में इससे रिलेटेड आ जाता है, ये क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि एक मैन है दो मिलकर किस काम को इतने दिन में करते हैं, या दो वोमेन हैं थ्री मेल हैं एंड फोर बॉयज़ हैं किसी काम को कर रहे हैं पाँच दिन में, एक मेल है और एक बॉयज़ है वो कर रहा है छः दिन में, तो हमें पूछा गया है कि अकेला कितने दिन में करेगा, या दो वोमेन और वोमेन कितने करेंगे, टू बॉयज़ थ्री गर्ल्स कितने दिन में करेंगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, तब हम जिस टाइप पर आ रहे थे वो टाइप करते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप हमने बता दिया था कि ए किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है, बी वाई दिन में कर रहा है, और सी कर रहा है जेड दिन में, तो हम ऐसे टाइप को पहले ये टाइप लिख लीजिए भी टोटल काम तो हमारा ए एक्स में कर रहा है, बी वाई में कर रहा है, और सी कर रहा है जेड, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ई किसी काम को कह रहा है कि भाई एन दिन पहले छोड़ देता है, जो समाप्त हो रहा है ना उससे रोजगार ये एन दिन तक ही करता है, बाद में काम छोड़ देता है, तो ऐसे क्या करेंगे उसमें आ जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इनटू में वन माइनस एन एक्स आ जाएगा। उसमें क्या था जो हमने पहले टाइप की थी ना उसमें था कि एन है ना जो काम समाप्त होने वाला है ना उससे एन दिन पहले छोड़ देता है, वहां पे आ जाता है वन प्लस एन एक्स, ध्यान में रखिएगा कंफ्यूज मत होइए, वहां पे आता है वन प्लस एन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जब एन कार्य तो किया उसने एन दिन कार्य करने के बाद छोड़ा है उसने, और वो कह रहा कि एन दिन काम करने से पहले तो छोड़ दिया, तो यहाँ पे कह जाएगा वन माइनस एक्स और वन प्लस एन एक्स, ठीक है कन्फ्यूज मत होना यहाँ पे, यदि आपको समझ में भी ना आए ना तो दोबारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोबारा पूछ लीजिएगा, या आगे की वीडियो में करें, या आपको जो भी कमेंट करें उसमें बता दीजिएगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं एक टाइप और भाई, ये तो था ए ने एन दिन किया एम दिन काम करके छोड़ दिया, अब कह रहे कि बी ने भी क्या किया है एम दिन काम करने के छोड़ दिया, देखिए पहले करते हैं टाइम तो करते हैं, यदि ए काम एक्स दिन में करे और बी करता है उस काम को वाई दिन में और सी करता है जेड दिन में, तो ए है ना वो एन दिन काम करके छोड़ देता है, ए छोड़ता है एन दिन काम करके और बी है वो एम दिन काम करके छोड़ देता है, तो हमसे पूछा गया है कि जो टोटल काम है ना वो कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, देखिए तीनों का निकालना है, तो टोटल काम तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कितना आ जाएगा जेड एक्स, तो टोटल आ जाएगा ना वन माइनस एन एक्स माइनस एन अपॉन वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जो टोटल टाइम का कितने समय में आएगा वो हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन होता है मान लो इस टाइप का, देखिए ठीक है। चलो हम आगे इस टाइप का एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ये देखिए ए किसी काम को पाँच दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है,
छः दिन में करता है और सी उसी काम को दस दिन में करता है। आगे कह रहे ए है ना, वो दो दिन काम करके छोड़ देता है और बी उसी काम को तीन दिन करके छोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 5 × 6 × 10 अपॉन कितना आएगा, 5 × 6 प्लस कितना आएगा, 6 × 10 प्लस कितना आएगा, 5 × 10। अब देखिए 1 माइनस ये क्या है, n है और ये क्या हमारा n है, 1 − 2 अपॉन n अपॉन x कहते हैं, तो 5 माइनस में कितना आ जाएगा, 3 / 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको। देखिए इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा 300 अपॉन कितना आएगा, 30 + 16 + 50 इंटू में कितना आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं 30 आ रहा है। देखिए कितना आएगा, 30 − 12 − 15। ठीक है, अब देखिए और आप सबको समझें, देखिए 300 अपॉन कितना आएगा, देखिए 140 आ रहा है, बताइए। ठीक है, इधर क्या जाएगा, देखिए 30 में से 15 गया तो 15 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा, 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इधर से ये गया, इधर से ये गया, 3 से 3 गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/4। यानी कि ये क्या गया, जो टोटल काम है ना वो इतने दिन में पूरा हो जाएगा, जो बाकी काम है ए और बी के छोड़ने के बाद सी अकेला करेगा वो इतने दिन में कर लेगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए एक क्वेश्चन आता है कि मजदूरी पे ए किसी काम को 8 दिन में करके करता है और उसकी कुछ भी मान लीजिए मजदूरी है या इतने मजदूरी करता है। ठीक है, और बी उसी को 8 दिन में करता है, तो हमसे पूछा गया है कि इनकी दोनों की मजदूरी क्या होगी, तो ए की मजदूरी एक दिन ए बी की मजदूरी अपॉन ए का दिन प्लस बी का दिन और दोनों की टोटल मजदूरी आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी। ठीक है, ऐसे टाइप हम हो गए हैं आज के, हमारा लगभग टॉपिक क्लियर हो गया है। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए ना वो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो ना वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, आप